सांबे का जिन्ना भी राजपूत समाज है सारे गै कड़े शब्दों की निंदा करता है। ये बेहद शर्मनाक बयान है। मैं तो आखना भारतीय जनता पार्टी वास्ते भारतीय जनता पार्टी की बारह दुश्मन लैने की लोड़ नहीं, इंदे घर गै दुश्मन बैठे दे और ये उन्हें लोगों पर बयान देन जड़े जड़ा समाज इंदी रीढ़ की हड्डी है ये उन्हें लोगों पर उंगल चुकन धिक्कार है। बड़ा गै दुख होया ये सुनिया जड़े बयान कविंदर गुप्ता होरें दिता जड़े कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रेह न मेयर भी रेह न और स्पीकर भी रेह न उन्हें की मेरे ख्याल जी शर्म नहीं आई या गल कर दे। हमारे यहाँ पे वोट मांगने के लिए आएंगे तो एक एक बात का इनको हिसाब, यहाँ पे एक एक शब्द जो इनके मुंह से निकला है उसका हिसाब जो है हमारे लोगों को देना पड़ेगा। बड़ा गै दुख होया ये सुनिया जड़े बयान कविंदर गुप्ता होरें दिता जड़े कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रेह न मेयर भी रेह न और स्पीकर भी रेह न उन्हें की मेरे ख्याल जी शर्म नहीं आई या गल करते कि राजपूत सभा के जड़े युवा राजपूत सभा वाले पैसे लेइए जरा प्रोटेस्ट किया। असें की बड़ा दुख है, अज तक मेरी 85 साल उम्र है मैं ये दी गल कदे राजपूतें दे बारे च नहीं सुनी, ये पहली बारी मैं सुनी और मेरे दिल से बड़ा दुख है कि उन्हें ये लफ्ज क्यों बोले किन्ने सारे लोग इहदे विच इनवॉल्व है कोई पूरा पूरा जितना डोगरा समाज है सारा इहदे च इनवॉल्व हा बार एसोसीएशन करने ही साडा किहड़ा टूर अपने मोट व्यापार मंडल भी कन्नै हा ते सारे साढ़े कन्नै चला दे इत्थै और हर एक अपना बयान दिया दा हा लेकिन मी समझ नहीं आई कि इहदे विच सिर्फ युवा राजपूत सभा की क्यों विच बोलिया गया और ये पहली बार आए होया कि राजपूतें दी उन्हें बदनामी की है और उन्हें की शर्म होनी चाहिए है ये गल करदे। और मैं ये गलांग कि असें अज तक ये गल कदें नहीं सुनी है और उन्हें की माफ़ी मंगनी चाहिए है अगर उन्हें नहीं तो प्रूफ कर कि साहब पैसे उन्हें युवा राजपूत सभा कुन दिते और उदा भी ना आना चाहिए और जिन्हें ले उनका भी ना आना चाहिए तो अस पिछा अड़ गए और अगर वो नहीं कर सकते तो वह माफ़ी मंगन और अगर गलती की जाए तो वह माफ़ी मंगनी उनकी जरूरी है नहीं तो प्रोटेस्ट वगैरह जड़े जारी रहन और उनकी और दूसरी गल है कि जड़े थोड़े इंदे गै पार्टी के मैंबर MP और MLA उन्हें वो उसका समर्थन किया टोल प्लाजा रोक हटाने ताई तो फिर असें समझ नहीं आई कि फिर ये पार्टी एक सिर्फ एक युवा राजपूत सभा ही बदनाम करने वास्ते इन्हें ये गल्लां कीतियां और राजपूतें की बदनामी की अस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और ना करगे। जिहड़ा परसों बयान आया बेहद शर्मनाक बयान है। अज साड़ी अमर क्षत्रिय राजपूत सभा साढ़े सांबा जिले के प्रधान इंद्र सिंह हुंदी कॉल ही कि असें प्रोटेस्ट करना है और साढ़ा सांबे का जिन्ना भी राजपूत समाज है सारे गै कड़े शब्दों की निंदा करता है। ये बेहद शर्मनाक बयान है। मैं तो आखना भारतीय जनता पार्टी वास्ते भारतीय जनता पार्टी की बारह दुश्मन लैने की लोड़ नहीं, इंदे घर गै दुश्मन बैठे दे और ये उन्हें लोगों पर बयान देन जड़े जड़ा समाज इंदी रीढ़ की हड्डी है ये उन्हें लोगों पर उंगल चुकन धिक्कार है दुर्लानत है इन लोगों की जड़े इस राजपूत समाज की जड़ा जम्मू कश्मीर का सारा बड़ा समाज है ये उहदे उपर अपने मन च इहो जिहा भाव रखदे न। बड़े गै दुख आली गल है। अज तुस दिखो सारे लोगों रोश है, सारे राजपूत समाज के लोग है और सारे जिन्ने भी समाज के लोग ने सारे उंदे उपर थू-थू करा दे चाहे कुसे भी जाति दे होण और ये इन्नी गंदी राजनीति उपर उतरी आए दे ये जातिवाद का कार्ड खेलन। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है वह स्पष्ट करन, कल इन्हें एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है BJP की प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई उनके कार्यालय का लेकिन अस उनके संतुष्ट नहीं है और सारे जिन्हें भी लोग है सुनील और
उनका बच बचाव करते हुए नजर आए हैं और सानू मंजूर नहीं है। अगर बीजेपी का स्टैंड हा वो तमी क्लीयर कर, अगर कमिंदर गुप्ता का स्टैंड हा और नक रगड़िए भी माफ़ी मंगन तमी शायद होने ही ये राजपूत समाज ना माफ़ करने वाला नहीं है। मैं बस इन्ना गै आखा बेहद आहत करने वाला बयान है, बेहद दुखी करने वाला बयान है और समाज की तोड़ने वाला बयान है। इो ले अगर लीडर होंगे ना तो इनका जीना आराम हो जाग, ये लोगों से मूँह नहीं चुकी सकते, खासकर सारे सांबे शक्ल नहीं दस सकते हैं। मैं इन्ना आखना चाहूँ। देखिए कविंदर गुप्ता जी ने ये क्लियर कर दिया है कि अपनी जिंदगी में उन्होंने एक इन्वर्टर की दुकान से शुरू की थी। इतना बड़ा जो एम्पायर है, जो बीजेपी जब अपोजिशन में थी तो बड़े बड़े नारे लगाती थी, धरने देती थी, तब ये लोगों से पैसे लेते थे और आज ये इस जो इनका इन्होंने अपना एम्पायर बनाया हुआ है उन्हीं पैसों से बनाकर यहाँ पे पहुँचे हैं। नहीं तो चाहे मेयर लगा लीजिए, चाहे कोई एमएलए लगा लीजिए, लाख डेढ़ दो लाख रुपया तनख्वाह होगी। कितनी करोड़ों रुपए की जमीन इन्होंने हड़पी है और एक सबसे बड़ा लालचन जो इनके ऊपर युवा राजपूत सभा के कल मेंबरों ने लगाया कि एक पोस्ट निकलती है, यहाँ पे सिर्फ दो ही पोस्टें निकाली जाती है, एक इनकी बेटी की और एक और पोस्ट, और वहाँ पे इनकी बेटी की नौकरी लग जाती है। तो इन्होंने लोगों को बताया है कि राजनीति का सतर जो है वो कितना गिर चुका है कि बाकी बेटी बेटी नहीं है, इनकी बेटी है जिनको नौकरी मिलेगी, यही लोग हैं जो जगह हड़प कर सकेंगे और यही लोग हैं जो लोगों के ऊपर जो मुंह में आएगा वो बक लेंगे। कविंदर गुप्ता जी, आप एक पूरे जम्मू कश्मीर का नेतृत्व कर रहे थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे, आप लोगों को ये बात शोभा नहीं देती। चिल्लू भर पानी लेकर उसमें डूब कर मर जाना चाहिए। अगर बीजेपी कविंदर गुप्ता को पार्टी से बाहर नहीं निकालती है, आने वाले दिनों में इनके पुतले जलाए जाएंगे और जब ये हमारे यहाँ पे वोट मांगने के लिए आएंगे तो एक एक बात का इनको हिसाब, यहाँ पे एक एक शब्द जो इनके मुंह से निकला है उसका हिसाब जो है हमारे लोगों को देना पड़ेगा। ये स्ट्राइक जो थी ये युवा राजपूत सभा की नहीं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जो जम्मू के डोगरों की है वह उनकी थी। इन्होंने सिर्फ राजपूतों में नहीं पूरे डोगरा समाज के ऊपर ये जो उंगली उठाई है, आने वाले दिनों में बीजेपी अगर इनको पार्टी से बाहर नहीं निकालती है तो इसका मतलब ये होगा कि इनके बयान में बीजेपी भी जो है वो सम्मिलित थी और इन्होंने ही इनसे बोल के ये जो बयान है ये दिलवाया है। इसका जवाब जो है लोग आने वाली इलेक्शन में देंगे। इसलिए अगर जल्द से जल्द इसके ऊपर माफी नहीं मांगी जाती तो बीजेपी का पतन जो है वो धीरे धीरे शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर से